साल आश्विन महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शारद नवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। इस बार ये महापर्व 3 अक्टूबर से प्रारंभ होकर 11 अक्टूबर तक चलेगा। नवरात्रि का समापन 11 अक्टूबर को होगा और इसके अगले दिन 12 अक्टूबर को विजयलक्ष्मी का उत्सव मनाया जाएगा, यानी कि इसके अगले दिन 12 अक्टूबर को विजयादशमी का उत्सव मनाया जाएगा, जिसमें देवी माँ की विदाई भी होती है। इस वर्ष माँ दुर्गा पालकी पर सवार होकर हमारे बीच आएंगी, जो इस पर्व को और भी खास बनाता है। नवरात्रि के 9 दिनों में रंगों का खास महत्व होता है। हर दिन एक अलग रंग का प्रयोग करके भक्त माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त करते हैं। कहते हैं जो भक्त नवरात्रि के दिन अनुसार रंगों का इस्तेमाल करता है, उसके ऊपर माँ गौरी की विशेष कृपा बसती है। लेकिन अब सवाल उठता है कि नवरात्रि के किस दिन कौन सा रंग का प्रयोग करना चाहिए। वैसे तो इंटरनेट पर कई तरीके के आर्टिकल उपलब्ध है, लेकिन ऐसी मान्यता है कि अगर आप एक खास रंग पहनते हैं तो उसका एक खास ही आपके जीवन पर असर पड़ता है। चलिए आपको बताते हैं। 3 अक्टूबर को आप नवरात्रि के पहले दिन पीले रंग का कपड़ा पहने, 4 अक्टूबर को आप नवरात्रि के दूसरे दिन हरे रंग का कपड़ा पहने और 6 अक्टूबर को यानी कि सोमवार को आप नवरात्रि के दिन नारंगी रंग का कपड़ा पहने और 7 अक्टूबर मंगलवार को नवरात्रि के 5वें दिन आप सफ़ेद रंग का कपड़ा पहने, 8 अक्टूबर यानी कि नवरात्रि के 6ठे दिन आप लाल रंग का कपड़ा पहने, साथ ही 9 अक्टूबर नवरात्रि के 7वें दिन आप कपड़े पहने नीला रंग का और साथ ही 10 अक्टूबर को शुक्रवार को आप नवरात्रि के दिन गुलाबी रंग का कपड़ा पहने और 11 अक्टूबर को आप नवरात्रि के दिन बैंगनी रंग का कपड़ा पहने। मान्यता है कि नवरात्रि के 9 दिन माता के प्रिय रंग के कपड़े पहनने से भक्तों को देवी माँ का आशीर्वाद प्राप्त होता है और पहले दिन माँ शैलपुत्री का प्रिय रंग पीला माना गया है। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा में हरे रंग के कपड़े पहनने से देवी का आशीर्वाद में वंश में वृद्धि होती है और तरक्की आपके आपके रास्ते खुल जाते हैं। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा भूरे रंग के वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है और नवरात्रि के 4थे दिन नारंग रंग के कपड़े पहनने से माँ कुष्मांडा का पूजन करें, इसमें ऊर्जा का प्रभाव बढ़ता है और नवरात्रि के 5वें दिन माँ संगदाता की पूजा में सफेद रंग का कपड़ा पहनना काफी शुभ माना जाता है। सफेद रंग शुद्धता और शांति का प्रतीक माना जाता है। इसके साथ ही आपको बता दें कि नवरात्रि के 6ठे दिन माँ कात्यायनी के प्रिय लाल रंग के वस्त्र आप पहने, लाल माँ दुर्गा को काफी प्रिय है, तो वही नवरात्रि के 7वें दिन नीले रंग के वस्त्र पहनकर माँ कालरात्रि की पूजा करें। देवी कालरात्रि शत्रु पर विजय प्राप्ति का वरदान देती है। नवरात्रि के 8वें दिन महाअष्टमी पर माँ गौरी की पूजा करें, गुलाबी रंग के स्वच्छ वस्त्र पहने, ऐसे करने से आपके जीवन में खुशहाली आती है। नवरात्रि की महानवमी पर बैंगनी रंग के वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है। ये सिद्धि यात्री का प्रिय रंग है। देवी की कृपा से समस्त सिद्धियों की प्राप्ति होती है। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि के 9 दिन शुभ रंग के वस्त्र पहनकर माँ की पूजा करनी चाहिए। कहते हैं इस पर आपकी परिवार में सदैव सुख समृद्धि बनी रहती है। फिलहाल इस खबर में अभी के लिए इतना ही। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके आप जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।